यहाँ की ग्रैंड एंट्री प्लाजा सेल्फी पॉइंट एनवायरमेंट ऑफ द लोकेलिटी एंड द सिटी प्लीज सुपर्ब ब्यूटीफुल 4 किलोमीटर लॉन्ग जॉगिंग रियल लग रहे थे ये मैसेज कन्वे किया जा रहा वाओ लाइट्स है ना इन स्कल्पचर्स के ऊपर और ये हमारी जयपुर की शान बढ़ाएगा This is Bhavika. Welcome back to Okay Now What. So, आज मैं आपको लेके आई हूँ जयपुर मेट्रो के स्क्रैपयार्ड में. अब आप लोग सोचेंगे कि स्क्रैपयार्ड जैसा तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है. Thanks to Rajasthan Housing Board, जिन्होंने जयपुर मेट्रो के स्क्रैपयार्ड को कन्वर्ट किया into a beautiful city park. So, क्या खास बात है इस सिटी पार्क में मैं आपको दिखाऊंगी. मिस मत कीजिएगा. चलिए मेरे साथ. With you, I don't ever feel calm. I could feel City Park Mansarovar ki major attraction hai yahan ki Grand Entry Plaza. वाव सो बहुत ही प्यारा लग रहा है सिटी पार्क मानसरोवर का जो सेंट्रल पार्क है जयपुर में पहले बना हुआ है उससे ये वाला जो सिटी पार्क है मानसरोवर वाला ये मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है एंड एंटर करते ही लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे यहाँ पर है कार पार्किंग सो कार पार्किंग की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दो फेज में बनेगा मानसरोवर का सिटी पार्क आई गेस अभी फेज वन ही रेडी हुआ है एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बहुत ही प्यारे प्यारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं पार्क में एंटर करते ही सबसे पहले मुझे दिखाई दिया ये सेल्फी पॉइंट हो और सेल्फी क्लिक ना की जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना सो मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी सेल्फीज क्लिक की एंड मानसरोवर सिटी पार्क का टाइमिंग है 6 AM to 9 PM शाम के 5 बजे हैं और बहुत ज्यादा मुझे इस पार्क में रौनक नजर आ रही है राजस्थान के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इस ब्यूटीफुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी पार्क को पहले प्लान था कि यहाँ पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए बट हमारे चीफ मिनिस्टर के सजेशन पर एंड कंसीडरिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द लोकेलिटी एंड द सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का प्लान चेंज किया गया एंड यहाँ बनाया गया सिटी पार्क एंड इस पार्क में इंस्टॉल किए गए हैं टोटल 17 ब्यूटीफुल से स्कल्पचर्स जिनमें से कुछ तो हैं स्टोन से बने हुए और कुछ हैं मेटल के स्कल्पचर्स एंड आई मस्ट से कि ये सभी जो स्कल्पचर्स हैं इन्होंने इस पार्क की ब्यूटी को डबल कर दिया है और ये जो स्टोन के स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपको जयपुर के सेंट्रल पार्क में भी देखने को मिलेंगे स्कल्पचर से लेकर प्लांट कटिंग तक इस पार्क में एवरीथिंग इज सिंपली सुपर्ब Play with me like cats and a string. और ये स्पॉट मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखिए कितने सिंपल से तरीके से कितने ब्यूटीफुली मैसेज दिया गया है टू सेव आवर ट्रीज एक ट्री के आसपास हैंड्स बनाए गए हैं एक इनडायरेक्ट हमें मैसेज दिया गया है कि कैसे हमें अपने एनवायरमेंट को अपने ट्रीज को सेव करके रखना है ब्यूटीफुल आपको ना मैं इस सिटी पार्क के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ That this park is bigger than Hyde Park in London and Central Park in New York. Interesting, है ना? जयपुर सिटी के लिए एक और एक नया डेस्टिनेशन एक नया गिफ्ट फॉर द जॉगर्स एंड ग्रीनरी लवर्स ये ना सिर्फ जयपुर का लार्जेस्ट पार्क है बल्कि राजस्थान स्टेट का सबसे बड़ा पार्क है स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 52.42 acres 4 किलोमीटर लॉन्ग जॉगिंग पार्क 3 किलोमीटर इंटरनल वॉकवे सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी एट ऑल द एंट्रेंस एंड एग्जिट गेट्स कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द जयपुराइट्स एंड ये देखिए क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट इन स्कल्पचर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ना ये उठेंगे और या फिर कुछ बोल पड़ेंगे इतने रियल लग रहे थे ये एंड दिस एक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैसेज कन्वे किया गया टू लव आवर मदर नेचर प्रोटेक्ट आवर ट्रीज एंड एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं उनको कितने अच्छे तरीके से ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है एंड दिस इज आवर नेशनल फ्लैग अभी मैं आपको इस नेशनल फ्लैग के पास लेके जाऊंगी उससे पहले आप ये देखिए कितनी प्यारी वाटर बॉडी और इतने कलरफुल फाउंटेन्स मतलब जयपुर में मैंने ना ऐसी जगह फर्स्ट टाइम देखी है
एंड जो लोग सोच रहे हैं कि इस पार्क की एंट्री फी क्या है, उनको मैं बता देती हूँ कि सिटी पार्क मानसरोवर के लिए आपको कोई भी एंट्री फी देने की जरूरत नहीं है। यस, एंट्री इज फ्री। यहाँ पर बनाया गया है राजस्थान स्टेट का टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग, जिसकी हाइट है 213 feet. बहुत ही प्लान्ड वे में बनाया गया है ये मानसरोवर वाला सिटी पार्क, और मैं विश कर रही हूँ कि जब इसका फेज टू रेडी होके आएगा वो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और मैं ना आपको फिर से यहाँ पर लेके आऊंगी व्लॉग का पार्ट टू शूट करने के लिए। चलिए मैं आपको ना लेके चलती हूँ नेशनल फ्लैग के पास। मतलब लोग यहाँ पर शाम होते ही कितने अच्छे से टाइम अपना स्पेंड करने आ गए हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, नेशनल फ्लैग के पास ही बनाए गए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल फाउंटेन्स। शाम के टाइम में जो लाइट्स है ना इन स्कल्पचर्स के ऊपर जब फोकस हो रही थी तो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। You don't ever wanna give me wings. ये देखिए, हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स का होना कितना जरूरी है इन स्कल्पचर्स के थ्रू मैसेज कन्वे किया गया है। दो रनर्स की शेप में बने हैं, जैसे हमें कह रहे हो फिट रहो इंडिया। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जॉगिंग ट्रैक पर म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं आपके वर्कआउट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एंड गाइस, इस टाइम आप देख रहे हैं कि पार्क की पूरी लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और इतना प्यारा लग रहा है ना ये पार्क। पीछे देखिए फाउंटेन्स हैं, मैं आपको वहां चल के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस पार्क में एंटर करते हुए मैंने आपको यहाँ की ग्रैंड एंट्री दिखाई थी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस ग्रैंड एंट्री के साथ बनी हुई ये ब्यूटीफुल सी वाटर बॉडी। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, कलरफुल फाउंटेन्स ऑन हैं। अगर आप भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। और जल्दी से प्लान कीजिए, बिकॉज बहुत ही प्यारा बना हुआ है मानसरोवर वाला सिटी पार्क। Evil voodoo got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा। Okay. इतना अच्छा प्लांटेशन है, इतने अच्छे स्टैचू बनाए हैं। जी जी, उम्मीद से ज्यादा अच्छा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन पे दिन ये और सुंदर होता जाएगा। जी जी जी, और बहुत लोग आएंगे इसे, और ये हमारी जयपुर की शान बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहली बार आए हैं इस पार्क में? हाँ, पहली बार। अच्छा, अच्छा, कोई मिलने जुलने वाले भी आएंगे तो उन्हें भी दिखाएंगे। ओके, लेके आएंगे। सो गाइस, दिस वाज माय टुडेज व्लॉग। मैं आज आपको लेके आई मानसरोवर एरिया में न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी पार्क में। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है मानसरोवर एरिया में सिटी पार्क। अब आप जल्दी से प्लान कीजिए और आइए एंजॉय कीजिए मानसरोवर एरिया में बने हुए सिटी पार्क में। मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, कुछ नया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ, वो लेके आऊंगी जो आपने अभी तक नहीं देखा है। हाँ, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ। ओके, नाउ व्हाट? I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted.